इमरान का एग्ज़ामिनेशन हम कर रहे हैं, तो जो पहली चीज़ नोटिस करने की है वो है कि इनका लेग लेंथ शॉर्टनिंग है। आप देखेंगे 1 इंच का लगभग डिफरेंस है राइट और लेफ्ट लेग में। इनको राइट में प्रॉब्लम है एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन थाई मसल्स, वेस्टिंग है राइट साइड में क्योंकि इस पैर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट की मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, रोटेशन अच्छा है, लेकिन अगर राइट साइड में देखें तो इधर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, फ्लेक्शन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं एंड अबडक्शन इज़ ऑल्सो लिमिटेड। तो ये टिपिकल फीचर्स होते हैं जब भी आर्थराइटिस होती है। इमरान का सर्जरी से पहले का हम एक्सरे देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जॉइंट स्पेस बिल्कुल कम है, बिल्कुल यहाँ आप सिस्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कैविटीज़ बनी हुई हैं। कंपेयर करें इस साइड से, यहाँ काफ़ी अच्छा जॉइंट स्पेस है और एसिटेबलम की जो मार्किंग है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इधर एसिटेबलम की मार्किंग जो है यहीं तक दिखाई दे रही है। उसके बाद ये पूरा इरोजन है इसमें, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसको, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है तो उसमें बोन पूरी डैमेज हो जाती है। उसी वजह से आप देखेंगे कि इधर इनका बोन में कैल्शियम भी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड और पेल्विक टिल्ट काफ़ी अच्छा खासा है, उसके बावजूद इनको शॉर्टनिंग थी। आते हैं सर्जरी के बाद, ये अब 3 महीने बाद का एक्सरे है। इसमें हमने नॉन सीमेंटेड इनका सॉकेट लगाया था जिसमें कुछ स्क्रूज डालने पड़े क्योंकि बोन क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, सिस्ट थे बहुत सारे, बोन वीक थी और ये इनका वेल फिटिंग एक नॉन सीमेंटेड स्टेम है और ये MIS टेक्निक से हुआ है और इनकी जो परफॉर्मेंस है अब हम देखते हैं कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट। इमरान हमारे पास सर्जरी के 3 महीने के बाद वापस आए हैं, इनका हम एग्जामिन कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं सर्जरी के बाद। सबसे पहली चीज़ है लेग लेंथ, पहले ये पैर छोटा था, अब आप देखेंगे बिल्कुल लेग लेंथ इक्वल है। राइट साइड का हमने सर्जरी की है और अब राइट साइड की मूवमेंट भी देखते हैं, 90 डिग्री मूवमेंट बड़े आराम से आ रही है, रोटेशन बिल्कुल फ्री हैं और अबडक्शन भी बिल्कुल फ्री है। दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाइए, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ये पहली बार बैठ रहे वैसे? पहली बार। तो फर्स्ट टाइम? 6 साल से। 6 साल से ऐसे नहीं बैठे? तो 6 साल के बाद पहली बार बैठ रहे, थोड़ा टाइट लग रहा होगा ना अभी आपको? हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा ये। आइए कोशिश करो जितना बैठ सकते हो। वेरी गुड। ये भी पहली बार कर रहे हो? चलिए चलिए, बहुत अच्छे। तो दिस इज द फ्रीडम दैट वी गिव टू अवर पेशेंट्स कि वो सब काम कर सकते हैं और धीरे धीरे अभी ये करोगे ना डेली तो ये सारा हो पाएगा और उसके बाद धीरे धीरे नमाज पढ़ने वाला वो भी शुरू कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ी रहे हैं? कितना चल लेते हैं एक दिन में एक बार? 1.5 से 2 किलोमीटर। तो कोई दर्द नहीं होता? कोई दर्द की दवाई भी नहीं ले रहे? नहीं। तो इमरान हमारे पास आए थे 3 महीने पहले जब इनकी हमने सर्जरी की थी, सीकर राजस्थान से आए थे। अब इनके ब्रदर अब्दुल रशीद भी आए हैं और आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? आपने पहले भी देखा था इनको? हाँ देखा था उस टाइम से, अभी तो बहुत अच्छा है। मतलब जिस उम्मीद से आए थे हमारे पास तो वो पूरी हुई कि नहीं हुई? हाँ, उससे बेहतर है। मतलब उस टाइम इतना सोचा नहीं था क्योंकि जैसे जो हालत स्टिक से लाठी के सारे चलते थे, तो ये फायदा है इन सर्जरीज का। लेकिन आपको जब पता होता है तभी उस चीज़ तक पहुँचते हैं, जब पता नहीं होता तो फिर आप गलत हो जाता है कई बार। वो जिस तरह की टेक्निक और इम्प्लांट्स आजकल हैं, आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ क्योंकि आपका फील्ड नहीं है। तो हम ये जो बातचीत करते हैं, जो इस तरह से हम बताते हैं, तो इसका मकसद यही है कि हर आदमी को पता चले कि क्या बेस्ट है उनके लिए। बिकॉज ये सर्जरी रोज़ रोज़ नहीं हो सकती, ये लाइफ में 1-2 बार होती है, तो हमें पूरी नॉलेज के साथ पूरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि पेशेंट को कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इमरान अपना काम करो शुरू। ठीक है, हमारी तरफ से कोई अब परहेज़ नहीं है, जैसे आज नीचे बैठना भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, सिर्फ आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी।
और बहुत भारी वजन उठा के नहीं चलना, बस दो चीज़ों का परहेज रखना है, बाकी आप कर रनिंग थोड़ा बहुत, रनिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं, पर ये नहीं कि भी 10 किलोमीटर दौड़ने रोज, वो नहीं करना ठीक, क्योंकि हमने एक चीज़ नई चीज़ दी है आपको, उसको जितना एहतियात से रखेंगे वो लंबी चलेगी। ठीक है, ठीक है?